क्या हम उम्मीद करें कि 2022 में महानगर पालिका पनवेल की उसकी जब महासभा होगी तो किसी नाटक घर में नहीं होगी बल्कि अपनी बिल्डिंग में होगी? नहीं, ये दुर्दय हमारा कि सिडको को इसके लिए पैसा भर के भी, मतलब 22 करोड़ रुपया, शायद 22 या 28 करोड़ ये उनको दे के भी एक साल उन्होंने हैंडओवर किया नहीं, और अभी तक तो 2 साल निकल गए, 2022 नहीं पर 2024 में तो हम हमारे खुद के हाउस में जाके हम काम कर सके, इसके लिए हम कुछ। ये जो एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिवाटी साहब का ही नाम होना चाहिए। युवाओं को यहाँ पे हम काफी अवसर हम देना चाहते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स उनको मिले जहाँ पे, यहाँ पे मोर देन 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम देना चाहते हैं, और उसके साथ में यहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी खुद की खड़ी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पनवेल में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये काफी अच्छे लेवल में हम लाना चाहते हैं, यहाँ पे बिजनेस के लिए अगर हम यहाँ पे अवसर तो हम यहाँ पे पैदा कर सके, मुझे फिर यकीन है कि पनवेल का नाम पूरी इंडिया में ये अव्वल नंबर में आ सकता है। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।